दूसरों के साथ जो कोई उसका साथी है कोई ये है उसके साथ उसे कोई गलती हो जाती है तो उसका उसके साथ व्यवहार कैसा होगा। बाबा दवानिन हुज इंटेलेक्ट द नॉलेज वुड हैव सेड हाउ शुड हिज बिहेवियर बी टुवर्ड्स अदर्स लाइक इफ हिज कंपेनियन और एनीवन मेक्स अ मिस्टेक। अच्छा ही होना चाहिए। इट शुड सर्टेनली बी गुड। शुड ही फॉरगिव हिज मिस्टेक और शुड ही स्प्रेड इट। जो बड़ा है वो तो हमेशा माफ करता है। The one who is elder always forgives. बड़ा है वो ज्ञानी है, ज्ञानी को बड़ा कहा जाता है। The one who is elder is knowledgeful. The one who is knowledgeful is said to be elder. और शिव बाबा सबसे बड़ा है। And शिव बाबा is the eldest. तो देखो 70-75 साल होने आए और हम बच्चे गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं। Look. 70-75 years are about to complete and we children continue to make mistakes repeatedly. श्रीमत का उल्लंघन करते जाते हैं। We continue to violate श्रीमत। वो हमको क्षमा कर रहा है या सजा देता है? Is he forgiving us or does he punish us? क्या करता है? What does he do? तो क्षमा बड़न को चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, दैट इज एल्डर्स मस्ट फॉरगिव। छोटे माने अज्ञानी। यंग मीन्स दोज हु आर इग्नोरेंट। अज्ञानता के आधार पर अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। क्राइम्स एंड मिस्टेक्स आर कमिटेड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो ज्ञानी बनाना हमारा फर्ज है या दंड देना हमारा फर्ज है? सो इज इट आर ड्यूटी टू मेक समवन नॉलेजफुल और इज इट आर ड्यूटी टू गिव पनिशमेंट? ज्ञानी बनाए। वी शुड मेक देम नॉलेजफुल।